इंडिपेंडेंट, लेट द मार्केट डू व्हाट मार्केट वांट्स टू डू। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे लिवर मोर का एक स्टेटमेंट पढ़ा था अपनी लाइफ में कि मार्केट इज ऑलवेज राइट, मार्केट इज ऑलवेज राइट और नेवर बी रिजिड अबाउट योर डिसीजंस। ये क्या है ऐसा, ये इसका मीनिंग क्या है? मार्केट इज ऑलवेज राइट मींस क्या? मैं ये चीज एक लेमन यू नो इंसान के तरह समझना चाहता हूं, हाउ मार्केट इज ऑलवेज राइट। मार्केट इज ऑलवेज राइट जो आपने बताया, जैसे लिवरमोर जी ने बताया, मार्केट इज ऑलवेज राइट, आपको ये आज नहीं तो कल बिलीव करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो उससे आपको कोई ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिटेबल होंगे या लॉस होंगे ऐसा नहीं, बट आप मार्केट को जब राइट मानने लगेंगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव करने की शुरुआत करेंगे। अगर आप अपने आप को राइट, आप मुझे बताओ कि कोई कोई सिचुएशन में आप मान लो कि आप गलत ही हो बट आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं सही हूँ, तो क्या आप इम्प्रूव करने का सोचेंगे? कभी नहीं। तो यही जैसे लिवरमोर का कहना यही है कि यू हैव टू बिलीव इन मार्केट, मार्केट विल बी ऑलवेज राइट, मार्केट इज ऑलवेज राइट। इफ यू प्रूव द मार्केट रॉन्ग, जस्ट एज्यूम कि एक ट्रेड में आपको लॉस हुआ, इफ यू आर इन लॉस इन वन ट्रेड, यू ट्राई टू प्रूव द मार्केट इज रॉन्ग, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रॉफिटेबल एनी बेनिफिट्स टू यू, सो यू हैव टू जज योरसेल्फ व्हाट वेंट रॉन्ग एंड देन यू हैव टू मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रेड। ओके, अभी सर मार्केट से यू नो आई विल कम